हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे भाई? मस्त रहो, चिल रहो एकदम। तो यार अभी आपके भाई के पास दो शिट्जू के मेल पपीज अवेलेबल हैं, अपने सब्सक्राइबर भैया के पास हैं। उन्होंने उनकी फीमेल ने पपीज दिए थे, दो दो तीन दिए थे समथिंग, बाकी बांट दिए थे और उन्होंने अपने पास दो मेल्स रख लिए थे। तो फिलहाल वो अभी देना चाहते हैं और काफ़ी अच्छे डॉग्स हैं, काफ़ी अच्छे शिट्जू के मेल पपीज हैं। पपीज की जो एज हो गई है वो हो गई है 4 मंथ्स के अराउंड, 4 मंथ्स के अराउंड उनकी एज हो गई है। वैक्सीनेशन सब कंप्लीट है, बट अभी उनको रखने में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा वो देना चाह रहे हैं, टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो जो भी भाई बहन लेना चाहता है तो अपने भाई को कॉन्टैक्ट कर सकता है और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे डॉग्स। वो प्राइस आपको आगे बताता हूँ वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। और पपीज़ की एक्टिविटीज़ वगैरह भी देख लीजिएगा। दो शिट्जू के मेल पपीज हैं ये, अपना हरियाणा गुड़गांव में पपीज अवेलेबल है। तो आप डायरेक्ट ओनर के पास जाके ले सकते हो चेकआउट करके, अगर अच्छे लगे तो बाय कीजिए। वीडियोज में आपको दिखाई दे जाएंगे, उनकी क्वालिटीज काफ़ी अच्छी है। 4 मंथ्स के हिसाब से जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, ताकि आपको बीमारी का डर नहीं रहेगा। और स्मॉल जो ब्रीड्स होती है वो आपको 4 5 6 महीने तक छोटे ही रहते हैं, इनको ऐसा नहीं है कि 4 महीने के हो गए तो ये बड़े हो गए हैं। तो जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं वो इस ब्रीड को इजीली रख सकते हो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो उन लोगों लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता है। और जिनके घर छोटे होते हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होते हैं शिट्जू के पपीज़। अगर आपको हेयर बड़े रखने हैं तो हेयर रख सकते हो, अगर आपको हेयर छोटे रखने हैं तो आप ट्रिम कटा करा सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपको इस ब्रीड में मिल जाते हैं। तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखते रहिए कि सारी अपडेट्स आपकी बाकी भी देता रहता हूँ। तो यही शिट्जू के पपीज़ अवेलेबल है अभी ओनर के पास, काफ़ी अच्छे पपीज़ हैं। ये देख सकते हैं फुल्ली डार्क कलर में, फुल मार्किंग में है। और सबसे अच्छा है कि 4 मंथ्स के हैं, वैक्सीनेशन सब कंप्लीट है। अगर जो भी भाई बहन लेने में इंटरेस्ट है तो जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मुझे, और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। दोनों को दोनों मेल पपीज़ हैं ये, 4 मंथ इनकी एज हो गई है, वैक्सीनेशन सब कंप्लीट है, आपको कुछ नहीं कराना है। और इसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में ये पड़ जाएंगे, नहीं तो वैक्सीनेशन का खर्चा ही कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का आ जाता है। ओनर की लोकेशन मैंने आपको बताई दी है, गुड़गांव में ये पपीज़ अवेलेबल हैं, 4 मंथ्स के हैं दोनों के दोनों ही। जो भी लेना चाहता है जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करें। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। और जो फर्स्ट टाइम ओनर है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपके घर छोटे हैं जब भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शंस के ये पपीज़ हैं। इनका प्राइस है ओनली फॉर 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ में आपको मेल पपी प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपके पास ही पपीज या डॉग अवेलेबल हैं अडोप्शंस के लिए, तो अपने भाई को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपकी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।